नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे सेंट्रम मल्टीविटामिन के बारे में। आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि सेंट्रम मल्टीविटामिन कैसा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए, कौन सा वाला लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, सबसे अच्छा कौन होता है। सेंट्रम मल्टीविटामिन की बात करें तो इंडिया में अभी उपलब्ध हुआ है, 2-3 सालों से मतलब मिलने लगा है मार्केट में, और स्पेशली ये देखा गया इसको ऑनलाइन ही आप ले सकते हैं, ऑफलाइन अभी कम जगह मिलेगा, तो ऑनलाइन जो मेजर 3-4 साइट होती हैं उनसे आप इसको ले सकते हैं। अब सेंट्रल मल्टीविटामिन बोला जाए तो अपने देश के बाहर USA का ब्रांड है और ये बहुत पॉपुलर है अभी भी और काफ़ी दिनों से, मतलब बहुत पुराना है। अब ये इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। जो सेंट्रम मल्टीविटामिन है वो कई तरह के आते हैं, कई नामों से आते हैं, मतलब कि एक सेंट्रम एडल्ट आएगा, एक मेन के लिए आएगा, वुमेन के लिए आएगा, सेंट्रम सिल्वर आता है, मेन वुमेन के लिए अलग आता है, सेंट्रम किड करके आता है जो बच्चों के लिए होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि सेंट्रम मल्टीविटामिन के साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी मिनरल्स और विटामिन चाहिए, लगभग कोई 23 नंबर होता है, ठीक है, वो सारे के सारे सब में होता है, नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस बात को लेके बिल्कुल नहीं परेशान होइए कि आप सेंट्रम मेन है तो किसी महिला ने ले लिया तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, या सेंट्रम कोई सिल्वर वाला है उसको कोई दूसरा आदमी खा लिया, एडल्ट ले लिया तो उससे उसको फायदा नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होता। इसमें जितने भी मेजर मल्टी मिनरल्स और विटामिन्स हमारे शरीर को चाहिए सारे के सारे रहते हैं, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जितना इसके लिए डेली वैल्यू चाहिए उसमें जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स है उसकी लिस्ट आप देखोगे तो सामने DA रहेगा, परसेंटेज में डेली वैल्यू, या RDA लिखे रहेगा कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना है, वो सारे जब आप देखोगे तो इसमें आप ये देखोगे कि लगभग 100% के आसपास ज़्यादातर हैं, मतलब 50% ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो 100% आपको जितनी दिन में चाहिए उतनी मात्रा में है। कुछ का नंबर कम है, कुछ का 50%, कोई 60%, कुछ का 10-15% भी हो सकता है। तो जो सबसे अच्छी बात है सेंट्रम मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट में कि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं मिनरल्स मल्टीविटामिन्स, ये इन्होंने उतनी देने की कोशिश करी जितनी आपको पर डे के लिए चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर ये नंबर बोलो तो मैं सारे पढ़ के देता हूँ, वैसे विटामिन ABCDEK B1 B2 फोलिक एसिड पेंटोथेनिक एसिड ये सारे ऐसे ही, कैल्शियम आयरन जिंक कॉपर मैग्नीशियम सेलेनियम मॉलिब्डेनियम ये सारे चीज़ें उसमें रहती हैं। 2-3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है खरीदते समय, एक तो कैल्शियम कंटेंट पे, आयरन के कंटेंट पे, विटामिन डी के कंटेंट पे और फोलिक एसिड, ये जो 2-3 चीज़ें होती हैं इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। बहरहाल सेंट्रम के जो ये मल्टीविटामिन, अगर इसके यूज की बात करें तो यूज इसमें यही सब रहेगा कि अगर कमजोरी है, थकान है, खून की कमी है, मांसपेशियों के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए, बालों के लिए, तो ओवरऑल ये आप समझें कि अगर आपके शरीर में कमजोरी, थकान लग रही है या आपको ऐसा लगता है कि आपके खाने में कोई मल्टीविटामिन कम रह जा रहा है, या जैसे कोई बढ़ती उम्र के साथ खाना भी अच्छा नहीं मिलता, खाने का मन भी कम होता है, खाना अच्छे से पचता भी नहीं है, तो उस कंडीशन में एज ए सपोर्टिव आप सप्लीमेंट ये ले सकते हैं, या जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं या ऑपरेशन के बाद या कोई तरह की बीमारी हो गई है तो उन कंडीशन में, या ऐसे लोग जो जिम वगैरह जाते हैं उन सबको ये काम आ सकता है। एक जो महत्वपूर्ण बात आपको मैं पहले बता दूं कि ये सेंट्रम मल्टीविटामिन या कोई और मल्टीविटामिन, अगर आपको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जैसे आयरन की कमी से खून की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी से खून की कमी हो जाए, कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो रही हों, या कोई और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम हो गया है जो कि जाँच में आ गया है, फोलिक एसिड का नंबर कम है, तब ये वाले जो सेंट्रम के मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स टैबलेट्स हैं इससे फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उतना ही है जितना पर डे के लिए चाहिए तो आपको सिर्फ मेंटेनेंस होगा, लेकिन अगर आपको आयरन या कैल्शियम या किसी और चीज़ की कमी है, खून की कमी मिली है या लक्षण आ रहे हैं, कुछ बीमारी हो रही है, तो उसके लिए उस इंडिविजुअल न्यू इन्ग्रीडियंट्स को आपको ज़्यादा मात्रा में कुछ दिन लेना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सारे लोगों को ध्यान रखना है। बहरहाल मैंने बता दिया कि ये कमजोरी, थकान, खून बढ़ाने के लिए और मसल्स बढ़ाने के लिए इस तरह की कंडीशन में इसको आप यूज कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं सेंट्रम के जो अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं उसमें एक क्वेश्चन सब लोग सामान्यतः पूछते हैं कि मैं कौन सा वाला लूं। तो अगर आपकी उम्र कोई 18 से 30 35 साल के बीच में है तो आप एडल्ट वाला लो, जो सेंट्रम एडल्ट रहता है, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें रहती है और उसमें एक बोसबेलिया करके उसमें मतलब एक हर्ब ऐसा बोल सकते रहती है जो कि जॉइंट्स की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको सेंट्रम सिल्वर वाला लेना। अब सिल्वर मेन के लिए अलग आता है, वुमेन के लिए अलग आता है, पर सिल्वर वाले में क्या होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और महिलाओं के लिए उसमें थोड़ा सा आयरन रहेगा और फोलिक एसिड रहेगा, मेन वाले से आयरन हटा लिया गया है। तो ये हल्का हल्का सा मतलब आप ये समझें कि डिफरेंस रहता है। तो मतलब इसको लेके बस आप मोटा मोटा ये समझ लें कि अगर आप 50 साल से ज़्यादा हैं 60 साल से ज़्यादा हैं तो सेंट्रम सिल्वर वाला लें। महिला पुरुष के लिए अलग अलग है, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं भी मिले तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एडल्ट के लिए अलग से आता है, फिर सेंट्रम मेन वुमेन के लिए अलग आता है। तो इस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं, बहुत उसमें परेशान होने की बात नहीं है। सेंट्रम मेन एंड सेंट्रम वुमेन मल्टीविटामिन में एक दो डिफरेंस है, एक तो आयरन का डिफरेंस रहता है, फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और फीमेल वाले में फोलिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और सेंट्रम जो मेन वाला रहता है मेन वाले में एक दो कंपाउंड थोड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे कि एक तो लाइकोपिन होता है जो प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है और विटामिन ए का नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इतना डिफरेंस है, मतलब इसमें कोई खास आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है कि मेल ने फीमेल वाला ले लिया या फीमेल में मेल वाला ले लिया। अच्छी बात यह है कि जितने तरह के इनके प्रोडक्ट हैं उनमें सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। एक कैल्शियम और आयरन इसका नंबर थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक कोई 1.25 ग्राम 1.5 ग्राम की टैबलेट में कैल्शियम आयरन की जितनी ज़रूरत होती है उतना डाला भी नहीं जा सकता है। बहरहाल साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई इम्पॉर्टेंट कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आता है। कुछ लोगों को आ सकता है, एलर्जी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज या दस्त हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको नहीं लेना है। कैसे खाना है, कितने दिन तक लेना है, तो इसको खाना खाने के बाद लें। दिन में एक टैबलेट सफिशियंट है मेंटेनेंस के लिए। खाना खाने के जस्ट बाद लें, दिन में सुबह या दोपहर को लेना बेटर रहता है। विटामिन के जितने भी बी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं वो बेसिकली ताकत वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो दिन में लेना, उससे आपको एनर्जी बनी रहेगी। कितने दिन तक ले सकते हैं, तो ये 30 दिन की आती हैं टैबलेट, 60 की आती हैं, 90-200 दिन की भी आती हैं। सबसे अच्छा ये रहता है कि आप 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने मतलब 60 से 90 दिन तक कंटिन्यू लें, उसके बाद छोड़ दें 1-1.5 महीने के लिए, फिर दोबारा ले सकते हैं। क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या इसको रोज़ ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप रोज़ ले सकते हैं। और प्रिकॉशन वगैरह इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ऑलरेडी उनको हो सकता है सप्लीमेंट वगैरह चल रहा हो, तो डॉक्टरी सलाह ले लें कि डबल ना हो जाए कोई चीज़। वैसे ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन बी है, फोलिक एसिड, बी12, ये सब की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, लेकिन जो फैट सॉल्युबल वाले होते हैं जैसे कि विटामिन ए हो गया, स्पेशली विटामिन डी है, इन सब की टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा कोई क्रोनिक बीमारी है, किडनी स्पेशली खराब है, लीवर खराब है या कोई और सीवियर बीमारी है, तब बिना डॉक्टरी सलाह किए अपने से नहीं लेना है। तो ये कुछ सावधानी रखना है। अब लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक तो मैंने सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताई इसके बारे में, सेंट्रम के बारे में, पर जो सबसे बुरी बात यह है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है, इसने सारे न्यूट्रिएंट्स को एक ही टैबलेट में डाला, वो भी लगभग उतना जितना रोज शरीर को चाहिए, इसलिए इसकी कीमत ऐसा हो सकता है कि एक टैबलेट आपको 12 रुपए की मिले, 15 की मिले, कुछ तो 20-20 रुपए की मिलती है, डिपेंडिंग कि उसमें कितना ये सारे कंटेंट का थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन ऊपर नीचे, तो थोड़ी महंगी है लेकिन है अच्छी। अब इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, लोग पूछते हैं कि मैंने खाया मुझे फ़ायदा नहीं हुआ और इतना खाया तो कोई असर नहीं है। आपको एक बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट अभी समझ लेना है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन है उसमें अगर आप खाओगे तो हो सकता है आपको सही रिजल्ट ना मिले, मतलब कि आपके बाल झड़ रहे हैं, सिर्फ ये सेंट्रम मल्टीविटामिन खाने से हो सकता है आपका काम ना चले, या खून की एकदम से कमी हो गई है, या हड्डियां कमजोर हो गई हैं, या कोई और कंडीशन हो जिसके लिए आप लेना चाहते हो सकता है कि आपको फायदा ना मिले, क्योंकि आपका जो स्पेशल एक न्यूट्रिएंट है वो काफी कम हो गया है, इससे तो सिर्फ मेंटेन होगा, बढ़ेगा नहीं नंबर में। तो ये सेंट्रम मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में जानकारी है, लगभग मैंने जो सारी बातें हैं
आप लोग पूछते वो मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्र की बात करें, किस उम्र से खा सकते हैं, तो ये ऐसा समझे कि 15-16 साल के उम्र के लोग टैबलेट खा सकते हैं। और ये जो किड नाम से आती, बच्चों की आती है, उसमें देख ले, उसमें ज़्यादातर बार कैल्शियम और विटामिन डी रहता है, क्योंकि बच्चों की उसी की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, जब मतलब ग्रोथ होती है, स्पेशली बोन्स की और मसल्स की और दूसरे आर्गन की। तो सेंट्रम मल्टी विटामिन के बारे में ये जानकारी है। लगभग मैंने सारी बातें बता दी हैं, उम्मीद है आप लोग इसको लेते समय या ले रहे होंगे तो क्या होता है, कैसे होता है, क्या लेना है, नहीं लेना है, समझ गए होंगे। ये अलग अलग नामों से जो इन्होंने बना दिया है, उससे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और ये ढूंढते रहते हैं कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा मेरे लिए फायदेमंद होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, कुछ में एक डला रहता है, जैसे मैंने बताया कि एक तो डला रहता है ग्रेप्स सीड एक्सट्रैक्ट रहता है, एक में बोसबेलिया रहता है, एक में जो फीमेल वाला रहता है तो उसमें हालुरोनिक एसिड होता है। हल्का सा माइनर एडजस्टमेंट किया है इन्होंने, कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इसलिए थैंक यू।